ने ही भेज दिया। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है भोला प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिलीवरी वैन। अगर आप देखें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है वैन की, नेट बुक वैल्यू दी हुई है आफ्टर ईयर 1 और नेट बुक वैल्यू दी हुई है आफ्टर ईयर 2। यार देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, यहाँ पे इसने सॉल्व खुद ही करके दिया है, आपको बताना है डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है और रेट कौन सा है। अब इसको निकालने का ये तरीका है, यार देखो कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू का अगर डिफरेंस निकालें तो ये आ जाएगी डेप्रिसिएशन। डिफरेंस निकालो, इन दोनों का बताओ कितना आ रहा है, सही, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, बताओ पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, 12,800 माइनस 8,960 बताओ कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ 3,840 आ रही है डेप्रिसिएशन ईयर 1 की। अब क्या करना है, अब ये करना है बेटा ईयर 1 की नेटबुक वैल्यू और ईयर 2 की नेटबुक वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो इससे दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस निकालो बताओ कितना आ रहा है, 8,960 माइनस 6,272 ये आ रही है बेटा डेप्रिसिएशन ईयर 2 की 2,688। यार मुझे बताओ ये जो डेप्रिसिएशन है दोनों सालों की सेम आ रही है अलग अलग आ रही है, अलग अलग स्ट्रेट लाइन में तो हर साल डेप्रिसिएशन क्या होती है सेम, इसका मतलब सी और डी तो नहीं हो सकता, इसका मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस है। रिड्यूसिंग में क्या होता है बेटा, पहले साल रिड्यूसिंग में ये होता है पहले साल डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती है और बाद के सालों में डेप्रिसिएशन कम होती जाती है। अब हमें ये देखना है कि रेट कितना है। अब रेट निकालने का जो है वो एक जो एक्यूरेट तरीका ये है कि आप ये कर सकते हैं, यार मुझे बताओ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है रिड्यूसिंग में, फॉर्मूला होता है कॉस्ट या नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, कॉस्ट या नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। मैंने कॉस्ट या नेट बुक वैल्यू क्यों लिखा है, क्यों यार पहला साल होगा तो मैं कॉस्ट पर रेट लगाऊंगा और जब एक साल के बाद में जाऊंगा सेकंड थर्ड ईयर में तो मैं नेट बुक वैल्यू को रेट से मटू। अगर मैं आपको डेप्रिसिएशन खुद बता रहा हूँ, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कितनी है बताओ, 3,840 ईयर 1 की डेप्रिसिएशन है और कॉस्ट कितनी है पहले साल में 12,800। अगर 12,800 कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट को अगर मैं कर दूँ एक्स, क्या ये रेट फाइंड कर सकता हूँ मैं, कैसे फाइंड करूंगा भाई, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, नेट बुक वैल्यू से, बताओ परसेंटेज आ जाएगी, 3,840 डिवाइड बाय 12,800 बताओ कितना परसेंट आ रहा है, ये आ रहा है 30%। ऐसे ही मैं कंफर्म करने के लिए ईयर 2 पे भी अप्लाई कर सकता हूं, कैसे, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन बेटा मैंने कितनी निकाली है बताओ, 2,688 ईयर 2 की डेप्रिसिएशन है 2,688। उसके बाद अगर आप देखें अगले साल की नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है, यार मुझे बताओ ईयर 2 की जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो कॉस्ट पे लगाएंगे या ईयर 1 की नेट बुक वैल्यू पे लगाएंगे, ईयर 1 की नेट बुक वैल्यू पे, तो कितनी आ रही है 8,960 ईयर 1 की नेट बुक वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय रेट। अब रेट निकाल सकते हो बेटा, कैसे निकालोगे, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन रेट आ गया आपका 30%। तो बेटा आंसर है इसका 30% रिड्यूसिंग बैलेंस, तो आंसर आ रहा है ए।